तो मेरे साथ एक स्टूडेंट है जसपाल। जसपाल क्या नाम? जसपाल आप कहाँ से आए हैं? सर मैं जलंधर पंजाब से हूँ। जलंधर पंजाब से आए जसपाल, आप क्या करते थे और कितने साल से काम करते थे मुझे बताइए। सर मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ जी। जी मैंने 2-3 इंस्टीट्यूट से पहले भी काम सीखा सर। जी आईफोन वगैरह का काम भी मैंने सीखा है, लेकिन प्रॉपर नॉलेज नहीं मिल पाई सर। प्रॉपर नॉलेज नहीं, लाइनों की नॉलेज नहीं थी। जी आर वैल्यू वगैरह से चेक करते हैं, आईसी के पैड्स कैसे चेक करते हैं, उसको एंटी क्लॉक वाइज क्लॉक वाइज सब इन्फॉर्मेशन यहीं से मिली सर। अच्छा मुझे बताइए जसपाल कि पहले के और अब के में कितना अंतर है आप में? सर बहुत है जी, पीसीबी को देखने का नजरिया बदल गया सर। बदला है कि नहीं? बदल गया सर, बिल्कुल बदल गया। आपने एस्टेट टेलीकॉमी की मतलब सेलेक्ट किया, जैसे आप 3 ऑलरेडी घूम लिए हैं, आपको ये भी लगा होगा क्या ये भी धोखा देंगे? सर मैंने 3 ही वीडियो देखी सिर्फ आपकी। अच्छा। और 3 वीडियो में आपकी नॉलेज और आपका कॉन्फिडेंस लेवल देख के सिलेक्ट किया। अगर मैं बताऊँ यहाँ पर देवेंद्र अग्रवाल कितना नॉलेज है? सर एक एक कंपोनेंट की मतलब पोस्टमार्टम कर देते हैं। अच्छा इतनी डीप नॉलेज है सर, मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि रजिस्टर भी इतनी तरह की होती है। और सर्किट लेवल पर? सर सर्किट लेवल पर तो कमाल है सर, कमाल डीएसओ के साथ सप्लाई जानकारी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, सारी डीएसओ की पूरी नॉलेज, एंडलेस सर, एंडलेस सॉल्यूशन है सर, सीपीयू लेवल तक खत्म कर दिया सब कुछ। अच्छा मुझे ये बताइए कि फिर सॉफ्टवेयर में दुर्गेश सर का क्या? सर 5 स्टेप और 4 दिन जी, इतने में खत्म हो गया सब। खत्म हो गया? कभी ऐसा तो नहीं लगा कि यार कुछ ऐसा था, कोई फ्लैशिंग जो छूट गई हो जो नहीं समझ सर, में सर सब कुछ समय लग गया और फाइल वगैरह सर सर ने सब हार्ड डिस्क में भर के दिया सर, सारा डाटा वगैरह। मैं आपसे जानूं कि उसके बाद इमरजेंसी अटेंड किए मिलन सर के, मिलन सर का कैसा एक्सपीरियंस? सर बहुत जबरदस्त, मतलब हमें लेने की होना चाहिए भी, हम कितना ले सकते हैं, इतनी नॉलेज है उनको। अच्छा तो अब ये सारी चीजें जो आप यहाँ से सीख कर जा रहे हैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एमएमसी, अब जाके क्या प्लानिंग है आपकी कि क्या करने वाले हैं? सर अभी तो मैं इतनी देर से काम कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी 2 महीने प्रैक्टिस करूंगा दोबारा से। बिल्कुल एक ए टू जेड मतलब पूरा एक बार दोबारा से करना है अपने आपको। सर अपने आपको पूरा एक बार सेट करना है सर एकदम पूरा। बिल्कुल, तो ये अब मैं यही चाहूंगा कि आप बहुत अच्छे से काम करें। एक लास्ट सवाल आपसे करेंगे कि पंजाब से आने वाले स्टूडेंट अगर आपसे पूछते हैं कि मैं इसे टेलीकॉम जाऊं तो आप उनको क्या क्या रिव्यू देना चाहेंगे? सर अगर डीपली नॉलेज चाहिए, कंपोनेंट्स की लाइंस की सारा प्रॉपर नॉलेज चाहिए तो यहाँ पर जरूर आना। अगर जुगाड़बाजी सीखनी, आईसी लगाना उखाड़ना सब कर लेते हैं, सारे टेक्नीशियन करते हैं, अगर यही सीखना है तो कहीं भी चले जाओ। अगर डीपली नॉलेज चाहिए तो यहाँ पर आना, नहीं तो नहीं आना। और हार्डवर्क करना है तभी आना, हार्डवर्क करना है तो आना। इसे टेलीकॉम बाकी इंस्टीट्यूट में एक लिटिल डिफरेंस बताओ छोटा सा कि हम लोग तो कोई प्रलोभन भी नहीं दे रहे हैं, कुछ फ्री नहीं दे सर, रहे हैं। सर ये प्रॉपर इंस्टीट्यूट है और यहाँ पे सारे टीचर्स हैं और पढ़ा रहे हैं, सिर्फ टेक्नीशियन नहीं है कि दुकान पे बैठ के आपको जुगाड़बाजी सिखा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और टीचर है प्रॉपर, आपको फीलिंग आएगी यहाँ पे भी हम लोग इंस्टीट्यूट में आए हैं और यहाँ पर पूरी नॉलेज मिलती है, नॉलेज मिलती है। और बाकी स्टूडेंट का सपोर्ट मिलता है कि नहीं मिलता सर? सबका सब। एमडी सर कैसे आपको मैनेजमेंट? सर एमडी सर तो मतलब सबकी मैनेज, ए टू जेड खाने से लेके रहने के तक, मतलब ए टू जेड सारी सारी उनकी मैनेजमेंट। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच और आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा हो। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। एक बार मेरे साथ बोलो, इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन? इंडिया का सबसे नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन? थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।